सो ये गाइस व्हाट्स अप, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ माय चैनल एंड हैप्पी मदर्स डे टू ऑल द ब्यूटीफुल मॉमीज एंड माय मॉमी टू। तो जैसे कि आप सबको पता है आज है मदर्स डे, तो इसलिए मैं जा रही हूँ अभी शॉपिंग करने के लिए मम्मी के लिए। एक्चुअली हम लोग कल ही जाने वाले थे बट टाइम नहीं मिल पाया इसलिए कल, क्योंकि पूजा रनू चले गया था, वो लोग बहुत लेट से आए, तो अभी हम लोग जा रहे हैं इतनी कड़ी कड़ी धूप में। वैसे हम और पूजा हम दोनों ही जा रहे हैं, एंड बाय द वे हम लोग जा रहे हैं टोटो से बिकॉज नो वन इज़ देयर टू ड्रॉप अस एंड everyone is very busy in their own world. तो just kidding, हम लोग जा रहे हैं टोटो से। तो चलिए गाइस वीडियो को एंड तक देखना, बहुत ही इंटरेस्टिंग वाला ब्लॉग होने वाला है, सो प्लीज़ कीप वॉचिंग। और हम लोग को मिल चुका है ऑटो, वी आर नॉट गोइंग बाई टोटो, हम लोग जा रहे हैं ऑटो से। और अच्छा लग रहा है यार, मतलब ऑटो या टोटो का ट्रैवल फन ही होता है, बट चलो कोई नहीं, धूप है, धूप से बचने के लिए हम लोगों ने सोचा चलो ऑटो ले लेते हैं, बिकॉज टोटो में बहुत ज़्यादा खुला खुला रहता है तो बहुत ज़्यादा धूप लगता है। तो चलिए चलते हैं और देखते हैं कौन से शॉप से हम लोग क्या क्या लेने वाले हैं। और ऑटो से भी हम लोग निकल चुके हैं, मतलब मार्केट पहुँच चुके हैं, बहुत ज़्यादा धूप है और हम लोगों ने अम्ब्रेला भी नहीं लाया है, बट हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो रहा है, लेकिन कोई बात नहीं, हम लोग घूमेंगे, धूप में भी घूमते हैं, बारिश में भी घूमते हैं, हर टाइम घूमते हैं हम लोग, वी आर यूज्ड ऑफ इट। तो चलिए चलते हैं। तो हम लोग आ चुके हैं रंगोली में। एक्चुअली हम लोग यहाँ से मम्मी के लिए साड़ी परचेज करने वाले हैं, रेगुलरली भी हम लोग यहाँ से ही लेते हैं। तो चलिए चलते हैं अंदर और देखते हैं इन लोगों का साड़ी कलेक्शन, वैसे यहाँ तो हमेशा औसम ही होता है। सो गाइज फाइनली वी हैव कम टू नाइशा एंड इट्स एन ऑसम शॉप। एक्चुअली ये न्यूली ही खुला है देवघर में, बहुत ही अच्छा है यहाँ का कलेक्शन, साड़ी कलेक्शन, शादी कलेक्शन, लहंगा, एवरीथिंग यू कैन फाइंड हियर। एंड द मेन थिंग इज़ यहाँ के जितने भी स्टाफ हैं ना, दे आर सो हम्बल एंड दे आर वेरी पोलाइट, दे वॉन्ट्स टू कम इन वीडियो, सो यू कैन कम एंड मीट देम, दे आर सच ए ब्यूटिफुल पीपल। आई मीन इन लोगों का जो हॉस्पिटलिटी है वो बहुत ही अच्छा है, ये लोग आपको बहुत ही अच्छा सर्विस देंगे। तो अगर आप देवघर में हो, अच्छा लगा आप लोग या अगर आप देवघर में हो, अगर आपको यू नो शादी की शॉपिंग करनी है या नॉर्मल शॉपिंग करनी है, नो डाउट यू कैन कम टू नाइशा। एंड अगर आप यहाँ पे आ रहे हो तो आई एम श्योर आप लोग 10-20 हज़ार का शॉपिंग कर लोगे, सो यू नो कीप योर पॉकेट फुल और यहाँ पे आओ, अच्छे से शॉपिंग करके जाओ। You can see the collection. Yeah. The collection is awesome, यार, मतलब we like so many sarees. Like see. They have designer sarees, they have normal sarees, बहुत सारे collection है. Like see. आप देख सकते हैं ये सब सारा designer saree है, party wear है, and they have शादी collection वाला saree also. और इन लोगों का जो मेन थिंग है ना, प्राइस बहुत ही जेन्युइन है, ऐसा नहीं है क्या यू नो ये लोग बहुत ज़्यादा रेंज है या कुछ भी है, फिक्स प्राइस है बट बहुत ज़्यादा जेन्युइन प्राइस है यहाँ का। तो आप लोग यहाँ पे आके आराम से शॉपिंग वगैरह कर सकते हो। लाइक हम लोग आए थे एक साड़ी लेने के लिए बट हम लोग दो ले चुके हैं, एंड अभी हम लोग अपने सारे फ्रेंड्स वगैरह को यू नो रिकमेंड करने वाले हैं यहाँ पे आके शॉपिंग करने के लिए। इनकेस अगर कोई भी मेरा वीडियो देख के आ रहा है, सो यू कैन टेक माई नेम एंड यू विल गेट सम डिस्काउंट ऑल्सो। आप लोग आके यहाँ पे बोल सकते हैं आप लोग मेरे वीडियो से आए हैं, तो यू नो आप लोगों को थोड़ा एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल जाएगा, राइट? सो यू कैन कम एंड यू कैन मीट देम। हाँ हाँ, शॉपिंग, तो शॉपिंग करने के बाद अभी हम लोग फाइनली पहुँच चुके हैं खुमनी और मूरी खाने के लिए। मैं तो खाते रहती हूँ बट पूजा कभी कभी आती है तो वो कभी कभी खा पाती है, बेंगलोर में तो ऑब्वियसली मिलता नहीं है ये सब। तो मैंने सोचा चलो इसको पराठा खाना था बट मैंने बोला चलो घूमनी मोरी खिलाते हैं, इट्स मोर बेटर देन पराठा, क्योंकि पराठा वराठा तो हम लोग कभी भी खा सकते हैं बट घूमनी मोरी नहीं। अब बहुत ज़्यादा स्वेट हो रहा है बिकॉज बहुत ज़्यादा गर्मी है, बहुत ज़्यादा गर्म है। तो पहुँच चुके हैं हम लोग घर पर शॉपिंग के बाद। एक्चुअली अभी मैं दुकान में बैठी हूँ बिकॉज विकी लोग गया है, एक मंडप पूजन है, मतलब कल शादी है, आज मंडप पूजन होता है ना शादी से पहले, वही अटेंड करने विकी, और अभी तो इसलिए मैं शॉप पे बैठी हूँ। वैसे विकी ने शॉप क्लोज़ कर लिया था, मतलब गाड़ी वाड़ी अंदर रख दिया, बट यू नो ऊपर में क्या ही करना यार, कुछ भी नहीं, इतना बोरिंग, मोबाइल आदमी कितना देखेगा, टीवी तो मैं देखती नहीं हूँ, तो मैंने सोचा चलो मैं शॉप खोल लेती हूँ और यू नो बैठ जाते हैं यहाँ पे, यहाँ पे एटलीस्ट अच्छा सा मतलब यू नो रोड पर देखते रहो अच्छा लगता है और सेल भी हो जाएगा। इसीलिए अभी हम और तनोज हम दोनों हैं शॉप पर, और घर पर बन रहा है फिश, तो वो मम्मी बना रही, नहीं नहीं पूजा बना रही है, मछली पूजा बना रही है। और ये मेरा लिप्स जो फटाफट आपको दिख रहा है, आई डोंट नो बिकॉज मैं आज धूप में गई ना, तो इसीलिए मेरा फेस भी ऐसे हो गया और लिप्स भी ऐसे हो गया, अभी
रात में मैं इसमें यू नो कुछ लगाऊंगी फिर ये ठीक होगा जाके। एंड बाय द वे हम लोगों ने मम्मी के लिए साड़ी परचेस किया, वो मैंने ऑब्वियसली आपको अभी तक दिखाया नहीं है, मैं आपको दिखाऊंगी बाद में, मतलब ऊपर जाऊंगी जब घर पे तब दिखाऊंगी। मम्मी को दे दिया है हम लोगों ने, उनको बहुत पसंद आया, बहुत ही ज़्यादा। चलो ये एक डर रहता है मम्मी को पसंद आएगा ना नहीं, बट फाइनली मम्मी को बहुत अच्छा लगा साड़ी। तो मैं जब जाऊँगी शॉप के मतलब शॉप क्लोज़ करने के बाद ऊपर, तो मैं आप लोगों को साड़ी दिखाऊँगी घर पे। और आने के बाद मुझे ड्यूटी मिला है पीकू को डिनर कराने का, तो सॉरी चीकू को, वही मैं करा रही हूँ और पीकू को भी खिला रही हूँ। और ये देखो ये दोनों कैसे मोबाइल देख रहा है, मतलब एडजस्ट हो के मोबाइल देख रहा है दोनों, लेकिन मोबाइल देखना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और उधर एक बच्चा है जो मम्मी ले के रखती है, बिकॉज वो बच्चा बहुत रोलू है, वो रोते रहता है, उसको मतलब हमेशा रोना है, और ये दोनों को हमेशा मोबाइल देखना है। एडजस्ट टैलेंटेड बच्चे। देखो गाइस पीकू का टैलेंट, एक्चुअली हम लोग इधर थे, वो गई मंदिर में मस्त, और टीका वाला ये लेके आ गई और सबको टीका लगा रही है। लगा दो चीकू दीदी को भी, लगा दो मम्मी को भी इधर। अब हो गया, अब हम लोग उसको मंदिर में नहीं रखने वाले। एंड बाय द वे उसने मुझे भी टीका लगा दिया है। यार ये बच्चे कितने टैलेंटेड है, ये देखो अब डुगू को भी टीका लगाना है। ओह गॉड, मम्मी रखिए मम्मी रखिए, देखो चीकू का, चीकू शो योर फेस, यू लव सिंधु, मम्मी देखिए ये लोग सिंधु से खेलने लगा। ओह गॉड ये बच्चे ना बहुत बदमाश है, ये तीनों मिलके घर को पूरा तबाही मचा के रख देते हैं। चीकू दीदी इज नॉट वेल ना, खुद का लगा लो टीका। तो चलिए मैं अब आपको साड़ी दिखाती हूँ। वैसे मैंने मम्मी को, हम लोगों ने मतलब मैंने नहीं, हम लोगों ने पहले ही दे दिया था, और ये साड़ी जो है हम लोग दो पीस लेके आए, मेरे तरफ से मम्मी सॉरी विकी के तरफ से, पूजा के तरफ से, तीनों के तरफ से दो साड़ी, वैसे मतलब कंट्रीब्यूट करके हम लोगों ने लिया है, क्योंकि देखो तीन अलग अलग लेने से अच्छा था दो अच्छा ले लेना, इसीलिए। चलो अब मम्मी निकाल के दिखाइए, वैसे मम्मी को पसंद आया, बहुत अच्छा लगा। एक देखो ये वाला, इसका कलर बहुत ही प्यारा है, मुझे तो बहुत पसंद आया, बट मम्मी अच्छे से दिखाइए आ चल के साइड से। एक ये है, एक ये है, ये एक्चुअली पूजा के चॉइस का है, और एक ये है जो ये कम्प्लीटली मेरे चॉइस का है। इसका कलर भी बहुत प्यारा है, लाइक पिंक है ये, लाइट पिंक, और वो पर्पल है, डार्क पर्पल, बट मतलब दोनों ही बहुत ही प्यारा साड़ी, आप देख सकते हैं। मम्मी आपको पसंद आया ना? वैसे देखो माँ के लिए कोई दिन नहीं होता है, एक स्पेसिफिक डे में ऐसा नहीं है, हम लोग मम्मी को अप्रिशिएट कर सकते हैं। ऑब्वियसली मम्मी लोग जो हम लोगों के लिए करते हैं, वो हम लोग कभी भी यू नो थैंक यू या कुछ भी वर्ड में वो एक्सप्लेन नहीं कर सकते, बट आज हम लोग मदर्स डे सेलिब्रेट करते हैं, तो ऑब्वियसली इस दिनों इस आई मीन वी हैव टू मेक दिस डे स्पेशल, तो इसीलिए कुछ स्पेशल करने के लिए हम लोगों ने सोचा चलो मम्मी को गिफ्ट देते हैं। वैसे हम लोगों ने लास्ट ईयर भी दिया था, उससे पहले भी दिया था, मतलब हम लोग देते हैं हर टाइम है, बट जब से मैं वीडियो बना रही हूँ तब से तो और भी देती हूँ, उससे पहले भी देती थी, बट उससे पहले का कोई भी मेमोरी नहीं है, बट अभी का तो चलो अच्छा है यार, हर एक चीज़ का एक मेमोरी हो जाता है, और मम्मी को भी अच्छा लगता है अगर हम लोग मम्मी को यू नो ऑब्वियसली मम्मी तो बहुत लेती है खुद से, बट अगर बच्चे उन्हें छोटे छोटे भी दे दे, प्राइस डजंट मैटर यार, या एग्जैक्टली बहुत खुशी होता है। यस, तो सब बच्चों को अपनी मम्मी पापा को हमेशा स्पेशल फील कराओ, नेवर हर्ट देम। और देखो मदर्स डे एक दिन के लिए नहीं होता है, ये नहीं कि आप एक दिन पिक्चर्स लगा लो, स्टेटस लगा लो, यू नो हर एक चीज़ कर लो, मम्मी पापा को डेली अप्रिशिएट करो, बिकॉज उनके वजह से ही हम लोग हैं, और यू नो उन लोगों का हमेशा रिस्पेक्ट करो, उन लोगों को कभी हर्ट नहीं करना चाहिए, है ना मम्मी? एंड यस, सभी माँ को फिर से हैप्पी मदर्स डे, एंड सभी बच्चों को मैं यही बोलना चाहती हूँ, प्लीज़ गाइज अपने मम्मी पापा को रेस्पेक्ट करो एंड उन्हें बहुत प्यार दो, क्योंकि यू नो हम लोगों से ही वो लोग हैं और उन लोगों से ही हम लोग हैं, तो हमें उनका इज्जत हमेशा करना चाहिए और हमेशा उनको प्राउड फील करवाना चाहिए, राइट मम्मी? आई डोंट नो, मतलब देखो थोड़ा मेरा, थैंक यू मम्मी, आई लव यू टू मेरा।
ये मम्मी का डेली है, ठीक है ना। ये ऐसा नहीं है सिर्फ कैमरा के लिए, हम और मम्मी, हम लोग एक दूसरे से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, एक्सप्रेस नहीं कर सकते, बट ऑब्वियसली मम्मी मेरी जान है और मैं मम्मी की जान हूँ, ये मुझे पता है। एग्जैक्टली अगर मैं यहाँ पे एक दिन भी नहीं आऊँ ना तो मम्मी को मन ही नहीं लगता, और मुझे तो खैर छोड़ो ही नहीं, मम्मी को नहीं देखने से मेरा खाना ही डाइजेस्ट नहीं होता है। मेरा ऐसा हाल है, मम्मी के बिना मतलब मेरे लिए कुछ भी नहीं है इस दुनिया में। मम्मी पापा सबसे बढ़ के है मेरे लिए यार, इन दोनों के बिना तो कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं मतलब कुछ भी नहीं। तो यस, बस यही बोलना था आप लोगों के लिए। और आप लोगों का मदर्स डे कैसा था आप लोग प्लीज़ कमेंट करके बताओ। आई एम श्योर सब ने मदर्स डे सेलिब्रेट किया होगा। तो चलिए गाइस, इस वीडियो को यहीं पे करते हैं, एंड हैप्पी मदर्स डे वंस अगेन टू एवरीवन। प्लीज़ अगर आप लोगों को व्लॉग पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, है ना मम्मी? हाँ, हेल्प करना भाई मेरा बाबू को। यस गाइस, लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब भी कर देना। बाय गाइस, हर हर महादेव।